हम सबके बीच जाने माने युवा कवि गोलेन पटेल को हम आमंत्रित करते हैं, वे आए और अपना काव्य पाठ करें। आइए, स्वागत। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी मार्गदर्शकों को प्रणाम करते हुए मैं पहले गुरु जी की कविता से शुरू करूंगा। गुरु जी का संग्रह एक है, सुख एक बासी चीज है। उसके 28 पृष्ठ संख्या 28 पर एक कविता है, बीज होने का अर्थ। अभी रात में मैं खेत में से पानी निकल के आया हूँ, इसलिए कविता यहाँ थोड़ा सा। बीज होने का अर्थ, किसान को मालूम है बीज होने का अर्थ। अपने भीतर जीवन छिपाए रखना, समय पर अंकुरित होना, पौधे में बदलना, दानों से लद जाना, लोगों की भूख मिटाकर फिर बीज में बदल जाना। अब मैं अपनी कविता पर आता हूं। अभी हाल ही, मतलब 2 या 3 दिन पहले की कविता है। हिंदी साहित्य में बहुत, मतलब कह लीजिए कि 55 के पार जितने भी कवि हो गए हैं उम्र में, उनको दादा कहा जा रहा है। दादा ना, या दा कह दे रहे हैं या दादा कह दे रहे हैं, उसी को लेकर मैं शीर्षक है कविता का, कभी कभी बूढ़ा नहीं होता। कभी कभी बूढ़ा नहीं होता, भले ही उम्र का उजास पास नहीं है, भले ही उम्र का उजास पास नहीं है, पर उनकी आंखों में है अनुभव का आलोक, जिससे प्रकाशित है साहित्य लोक। कुछ ऐसे ही कवि जो कि अपनी कविता में युवा हैं, कुछ ऐसे ही कवि जो कि अपनी कविता में युवा हैं, उन्हें कोई नवोदित कवि जब कहता है दादा, उन्हें कोई नवोदित कवि जब कहता है दादा, वे उतर जाते हैं गम के गर्त में, जहां पीड़ा की परछाई खेद की खाई में खोखती हुई खोजती है। क्या बात है। वे उतर जाते हैं गम के गर्त में, जहां पीड़ा की परछाई खेद की खाई में खोखती हुई खोखती है खोजती है खणु और आत्मा के अंतिम अणु को भी। उन्हें खोपड़ी की खनखनाहट खंजड़ी की आवाज लगती है, उन्हें खोपड़ी की खनखनाहट खंजड़ी की आवाज लगती है, पर पहाड़ के पीछे छुपते हुए सूरज को पता है, पर पहाड़ के पीछे छुपते हुए सूरज को पता है कि सदी के नदी में डूबते हुए चांद को भी मालूम है यह बात कि जीर्ण जिंदगी के खमी में खजाना है, एक न एक दिन सभी को जाना है। क्या बात। दादा की संज्ञा पाना दाना में चाना वह मंटर पूछ न पाना है, दादा की संज्ञा पाना दाना में चाना वह मंटर न कुछ पाना है, ताफी की तरह लाई चुगलाना यादों की यात्रा में बचपन लौटना है। इसे दूसरे अर्थ में भी, इसके दूसरे अर्थ भी हैं, इसके दूसरे अर्थ भी हैं। दादा कहकर किसी कवि को बुढ़ापे का एहसास कराना उचित नहीं है, क्योंकि कवि कभी बूढ़ा नहीं होता, कवि कभी बूढ़ा नहीं होता। कविता में जिसकी आयु, कविता में जिसकी आयु वायु का उल्टा है, उसे यह ख्याल दिलाने के खिलाफ है मेरे भीतर का कवि कि वह बूढ़ा है। धन्यवाद। गोलेन्द्र की तो केशव दास की पीड़ा दिखाई देने लगी, केशव केसा नाथ बाबा कहीं जाए। एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक, मतलब जिसका शीर्षक है लोई, जो आटा मतलब गूंथने के बाद थोड़ा थोड़ा छोटा बनाया जाता है उसी। चौक में चौंका देने वाली खबर आई है, चौक में चौंका देने वाली खबर आई है कि चौका पर कोई लोई कई दिन नहीं बेल रहा है, पर चौका बन रहा है खेल में और जनता रो रही है जिंदगी के जेल में। एक और छोटी सी कविता है, घिरनी, जो कुएं पर गिलाड़ी होती है उसे घिरनी बोला। फोन पर शहर की काकी ने कहा है
कल से कल में पानी नहीं आ रहा है उनके यहाँ। फोन पर शहर की काकी ने कहा है कल से कल में पानी नहीं आ रहा है उनके यहाँ। अम्मा अम्मा आंखों का पानी सूख गया है, भरकुंडी में है कीचड़, खाली बाल्टी रो रही है, जगत पर असहाय पड़ी डोरी क्या करे। आह जनता की तरह मौन है गिरनी और तुम हंस रही हो। क्या बात, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गोलेन पटेल की कविताओं को और गांव की शब्दावलियां, और गांव को जानना और जो शब्द लोप हो रहे हैं जिनके लिए हमें बहुत सारे कवियों के पास जाना पड़ता है, जिनमें केदारनाथ सिंह भी आते हैं, अनामिका भी आती हैं, और बहुत सारे कवि की बहुत सारे शब्द ऐसे कविताओं में ही शेष रह गए हैं, तो वहां जाना पड़ता है। उस समय में हम गोलेन पटेल की कविताओं से बहुत सारे वैसे शब्द अर्जित कर सकते हैं जिनको उन्होंने जिया है, वो जी रहे हैं प्रतिदिन। तो इतनी सी बात, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।